आप सभी का आज के हमारे ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के हमारे ई व्याख्यान का अध्ययन विषय है भारतीय चित्रकला के सडंग। व्याख्यान श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम प्रमाण अंग का अध्ययन करेंगे। भारतीय चित्रकला के सडंग के अंतर्गत रूपभेद तत्व का हमने पूर्व के व्याख्यान में अध्ययन और अनुशीलन किया। आज हम प्रमाण जो अंग है भारतीय चित्रकला के सडंग का, उसके बारे में विस्तृत चर्चा, अध्ययन और अनुशीलन करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे। भारतीय चित्रकला के सडंग के अंतर्गत प्रमाण एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यह रूपभेद के बाद क्रमशः द्वितीय नंबर पर भारतीय चित्रकला के सडंग के अंतर्गत आता है। प्रमाण से तात्पर्य वस्तुओं के अनुपात से, आकारों के अनुपात से और उसके बेडोल होने से बचाने के लिए प्रमाण एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होता है। कलाकृति में प्रमाण को संबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। यह आकृतियों का अपना प्रमाण, उनकी लंबाई और चौड़ाई का संबंध, एक आकृति से दूसरी आकृति का संबंध, उनकी लंबाई और चौड़ाई के संबंध को, उनके रंग को, उनकी तान को, उनकी पोत को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी कलाकार को प्रमाण का ज्ञान जितना भली भांति होगा, वह कलाकार अपनी आकृति को, अपनी सृजन को, अपनी कलाकृति को उतने ही भली भांति ढंग से चित्रित कर पाएगा और प्रमाण के ज्ञान से ही वह वस्तु वास्तविक प्रतीत होगी। प्रमाण जो है वह वस्तुओं को एक जानने की प्रक्रिया है। इसमें किसी वस्तु का जो अनुपात होता है, जो उसको संतुलन देती है, वह संतुलन सृजनकर्ता अपनी कलाकृति में, अपने आकारों में संतुलन, रंगों में संतुलन, रेखाओं में संतुलन, पोत में संतुलन, वस्तु की तान में संतुलन और अंतराल में उसका स्थापित करना, यह सब प्रमाण के ज्ञान से ही संभव हो पाता है। प्रमाण के ज्ञान से ही एक कलाकार यह सुनिश्चित करने में समर्थ हो पाता है कि जो विस्तृत प्रकृति है, जो यह भूभाग है, धरती है, पहाड़ हैं, यह विस्तृत जो आकाश है, इन सबको एक छोटे से कागज़ पर या अपनी कलाकृति में कलाकार किस तरह से समाहित करता है, यह सब कलाकार के प्रमाण के ज्ञान पर ही निर्भर करता है। यदि कलाकार के प्रमाण का ज्ञान उत्कृष्ट कोटि का है, तो कलाकार अपने इस उत्कृष्ट ज्ञान का प्रयोग करते हुए अपने सृजन में निखार लाता है और सृजन को, उसकी जो प्रभाविता है उसको द्विगुणित करता है। कलाकार अपने सृजन में, अपनी कलाकृति में अपने जो विषय है उसकी विषय वस्तु को अभिव्यक्त करने के लिए प्रमाण के ज्ञान का सहारा अवश्य ही लेता है। बगैर प्रमाण के कोई भी कलाकृति अधिक अनुपातहीन हो जाएगी, वह बेडोल लगने लगेगी। यहाँ आकृतियों के लंबाई और चौड़ाई के संबंध को ही प्रमाण सुनिश्चित नहीं करता, वरन प्रमाण यह भी सुनिश्चित करता है कि एक आकार दूसरे आकार के बीच की दूरी क्या है, साथ ही एक आकार पास का आकार, यदि दो आकार एक ही रंग के हैं तो पास का आकार किस रंग का होगा और उसकी तान क्या होगी, और दूर का आकार उसी रंग का होने पर भी उसकी तान किस तरह से अलग हो जाएगी। इस तरह से प्रमाण रंगों के संतुलन को भी सुनिश्चित करता है कलाकृति में। यह रेखाओं का अपना संतुलन
भी स्थापित करता है। जब हम दृश्य कला की बात करते हैं तो उसके विशिष्ट संदर्भ में जब हम देखते हैं तब यह पाते हैं कि कलाकार अपनी कलाकृति के माध्यम से जो दृश्य विधान गढ़ता है, अर्थात अपने विषय की विषय वस्तु का चुनाव करता है, और उस विषय वस्तु का चुनाव करने के उपरांत वह कलाकार उस विषय वस्तु के माध्यम से अपनी जो कलाकृति है उसको स्पष्ट करता है, जिससे कि उसके भाव जो वह आंतरिक महसूस करता है वो निकल करके स्पष्ट हों, और यह कलाकार की अभिव्यक्ति की सार्थकता तभी सुनिश्चित हो पाती है जब कलाकार अपने विषय की जो विषय वस्तु है उसको जो चित्रकला के नियम हैं, सिद्धांत हैं और जो तत्व हैं उनको बखूबी निर्वहन अपनी कलाकृति में कर पाता है। कलाकार एक साधक होता है, वह प्रमाण का ज्ञान भी क्रमशः अपने अनुभवों से अभी सिंचित करते हुए धीरे धीरे निपुण होता जाता है। कलाकार प्रमाण के ज्ञान के लिए निरंतर अभ्यास करता है, उस वस्तु की उस विषय की बारीकियों से अवगत होता है, वह वातावरण के संयोजन को समझता है, वह उस विषय की परिस्थितियों से प्रतिकूल और सकारात्मक दोनों तरह की परिस्थितियों से अवगत होने का निरंतर प्रयास करता है, और जब वह अनुभवों से भर जाता है कलाकार तब जा करके वह अपनी कलाकृति में उन विचारों को उसी लय में पिरोता है, और एक कलाकृति जब अनुपात में होती है, उसका संतुलन सुनिश्चित होता है, तब वह कलाकार अपनी सृजन साधना को उस उच्च मोड़ पर ले जाता है जहाँ कलाकृतियाँ एक नए प्रतिमान स्थापित करती हैं। कलाकार या सृजनकर्ता अपनी कलाकृति या सृजन के माध्यम से अपने आंतरिक भावों को मूर्त रूप या मूर्त स्वरूप प्रदान करता है, और जब कलाकार यह मूर्त स्वरूप अपनी कलाकृतियों के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास करता है तब वह इस चीज़ का विशेष ध्यान रखता है कि उसकी जो कलाकृति है उसकी विषय वस्तु जो है उसमें जिन आकारों को उसने चयन किया है, जिन रंगों का चुनाव उसने अपनी विषय वस्तु को प्रखर करने के लिए किया है, और जिस धरातल का उसने चुनाव किया है, जिस तान का प्रयोग अपनी कलाकृतियों में किया है, वह सब प्रमाण युक्त हो, अनुपात में हो, संतुलन में हो, यह वह सुनिश्चित करने का हमेशा प्रयास करता है। कलाकार अपनी कलाकृति में प्रमाण के ज्ञान के द्वारा ही जो अपने आकार हैं, भाव हैं, विषय हैं, चित्रकला के जो तत्व हैं, संयोजन के जो सिद्धांत हैं, उनको प्रमाण के ज्ञान से संपुष्ट करते हुए ही एक तरह से अभिव्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण और भागीरथी प्रयास करता है। इस तरह से कलाकार निरंतर अपनी कलाकृति में प्रमाण के ज्ञान के लिए निरंतर कलाकृति को एक तरह से जीवन देता है, और दर्शक को अपनी कलाकृति से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। देखो, कलाकृति का प्रभाव सामान्यतः सहृदय या हम कह सकते हैं कि दर्शक पर अवश्य पड़ता है। दर्शक यदि किसी कलाकृति को देख करके उस कलाकृति के आकारों को अनुपातहीन, उनके रंगों को न्यायोचित वहाँ नहीं समझ पाते, तब कलाकार की सारी मेहनत बेकार है। कलाकार अपने जो भाव हैं उनको जिस ढंग से सामने प्रस्तुत करना चाहता है वह भाव
उतनी स्पष्टता के साथ प्रभाविता नहीं दे पाते यदि उसके आकार उस सृजन के उस कलाकृति स्वमेव प्रमाणहीन है। इस तरह से हम पाते हैं कि प्रमाण कलाकृति में या सृजन में एक आधारभूत महत्वपूर्ण अंग है। इसके बगैर एक कलाकृति बेडोल है। और ठीक उसी तरह से यहाँ कलाकृति को हम लड़खड़ाती हुई महसूस करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति लड़खड़ा जाती है। वह इतनी जो उसकी भाव की अभिव्यक्ति की गतिशीलता है वह प्रमाणहीनता के कारण अवश्य ही प्रभावित होती है, कमतर होती है। और यदि उसमें प्रमाण के ज्ञान का समावेश उत्कृष्ट या प्रभावी ढंग से है तो वह कलाकृति की जो अभिव्यक्ति है उसकी गतिशीलता पोषित होती है और वह अपनी प्रभाविता से अधिकतर जो जन सामान्य हैं उनको प्रभावित करने में सक्षम सिद्ध होती है। इस तरह से हम पाते हैं कि भारतीय चित्रकला के सड़ंग में प्रमाण एक महत्वपूर्ण अवयव है। जब हम भारतीय पुरातन कला शैलियाँ हैं जैसे अजंता है, राजस्थानी कला शैली है, पहाड़ी कला शैली है, या आज की आधुनिक कलाकृतियों में आधुनिक कलाकारों की कलाकृतियों को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने प्रमाण के ज्ञान का अच्छा समावेश कर अपनी कलाकृतियों को कालजयी बनाने में योगदान दिया। हम यहाँ तक मतलब एक तरह से समर्थन करते हैं प्रमाण का कि जो पारंपरिक कला शैलियाँ थी उनमें तो प्रमाण का ज्ञान का समावेश आवश्यक था ही और है भी उनमें समावेश, पर जो आज की आधुनिक कलाकृतियाँ हैं वो भी प्रमाण का उपयोग किए बगैर अपनी कलाकृतियों को एक तरह से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावी बनाने में सक्षम नहीं है। आज के कलाकार को भी अपनी कलाकृतियों में प्रमाण के ज्ञान का अवश्य ही प्रयोग करते हुए आप देख सकते हैं। आज भी प्रमाण अपनी महत्ता सिद्ध करता है और यह अवश्य ही निरंतर अपनी सार्थकता सिद्ध करता रहेगा। इस तरह से आज की आप जो कलाकृतियाँ देखते हैं, आप लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा देखिए, उसके पीछे का मोनालिसा के पीछे का जो पृष्ठभूमि है उसका प्राकृतिक दृश्य देखिए, यह सब उस कलाकार की साधना का प्रतिफल है। लियोनार्डो दा विंची ने किस तरह से अपनी चित्रकृति के माध्यम से प्रमाण का ज्ञान का समावेश अपनी कलाकृति में किया, ठीक उसी तरह से जो राजस्थानी शैली है उसकी जो किशनगढ़ उपशैली है उसके अंतर्गत आप निहाल चंद जी द्वारा बना बणिक ठणी की जो चित्रकृति है उसको भी देख सकते हो कि वहाँ भी प्रमाण का ज्ञान या प्रमाण के ज्ञान के समावेश कलाकार ने अपनी कलाकृति में अवश्य ही किया है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या पूर्व और क्या पश्चिम दोनों की कलाकृतियों में कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा प्रमाण के ज्ञान का प्रयोग अवश्य मिलता है। बगैर प्रमाण के सार्थकता के कलाकार अपनी कलाकृति को जीवंतता नहीं प्रदत्त कर सकता। कहीं ना कहीं यदि कलाकृति में असंतुलन स्थापित करने की कलाकार ने चेष्टा भी की है तो वह भी प्रमाण के सकारात्मक ज्ञान के बगैर एक तरह से कलाकृति की सफलता निर्धारित नहीं कर सकता। वहाँ भी कहीं ना कहीं कलाकार ने अपने प्रमाण का जो सकारात्मक प्रमाण या नकारात्मक प्रमाण का उपयोग कर कलाकृति को जीवंतता या अपने विषय को सार्थकता देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि आज के अध्ययन विषय से आपने इसकी चर्चा से आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे।
और धन्यवाद और शुभ दिवस। धन्यवाद।